तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नाव में। और आज एक अखबार में जो खबर छपी थी कि आपके जो संगठन के जिला मीडिया प्रभारी अवधेश तिवारी हैं, उन्होंने राहुल गांधी से कल मुलाकात की थी जब वो एक पीसी के दौरान सुल्तानपुर आए थे जी। तो सर जब उनसे उन्होंने मुलाकात की थी तो क्या क्या हुआ, सब कुछ थोड़ा सा विस्तार में बताने का कष्ट करें। nsnow.in अब वो सुल्तानपुर पेशी पे आए थे nsnow.in तो हाईवे पे हम लोगों ने उनको, कांग्रेस वाले भी थे, हम लोग भी थे, सपा वाले थे, वहाँ रुके। वहाँ रुकने के बाद उनको एक पत्रक दिया गया जी सर। nsnow.in इसके बाद कुछ राहुल गांधी बोले या फिर चले गए? नहीं, उन्होंने कहा कि इसको हम सदन में उठाएंगे। हम लोगों ने कहा कि इसको सदन में उठाया जाए, तो उन्होंने कहा कि उसको हम सदन में उठाएंगे। अच्छा, बस इतना ही मतलब हुआ उनसे? हाँ, इतना ही समय मिला। अच्छा, लेकिन पत्रक उनके हाथ में दिया गया और उनसे ये इतनी बातें कही गई। क्या मांग था उस पत्रक में आपका, राहुल गांधी से जो आपने मांगा? उसमें यह था कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। 2017 से जब समाजवादी निरस्त हुआ तब से 10,000 पा रहे हैं सब लोग। ऐसी स्थिति में शिक्षा में तो परिवार भुखमरी के कगार पे है, इससे बातें हुई जी। नहीं नहीं, राहुल गांधी से आपने मतलब क्या मांग किया है कि वो क्या करें, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, उस तौर पे वो क्या कर सकते हैं शिक्षा मित्रों के लिए? अब उनसे तो ये कहा गया कि आप इसको सर सदन में उठाइए, हम लोगों का मुद्दा। उन्होंने कहा ठीक है, हम इस बार उठाएंगे इसको। अच्छा, चलिए ठीक है, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू।